गोंडी में कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। और डांस वाले जितने भी बच्चे हैं आप लोग तैयार रहे, है ना, क्योंकि आप लोगों का डांस रेडी नहीं था इसलिए मुझे बात करने का अवसर दिया गया। और आप सबके बीच में मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ चीज़ें कहने जाऊंगी जो गोंडी भाषा को लेकर के है। आप सभी के सामने गोंडी भाषा लिपि एवं वो एक बुक का विमोचन तो अमरकंटक 14 जनवरी को हो चुका था, बट उसका जो एक प्रेस के माध्यम से निकालना था हमें, उस बुक को एक यूनिवर्सिटी लेवल के माध्यम से निकालना था और उन बच्चों के लिए निकालना था जो आज यूनिवर्सिटियों में कुछ हमारी गोंडी भाषा की बुक तो है परंतु उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स है, काफ़ी सारी गलतियां हैं। तो वो जो गोंडी भाषा लिपि एवं वनका टुंडे करियाट जो बुक निकाला है कुछ यहाँ दुकानों में उपलब्ध भी है, तो वो उन बच्चों के लिए है जो आने वाला समय मतलब भूलते जा रहा है या हमारी भाषा को आज लोग भूलते जा रहे हैं, विलुप्त के कगार में है, जबकि हमारी गोंडी भाषा एक जननी है, हमारी जो पहचान है हमारी गोंडी भाषा है, है ना। आज आप सब देखेंगे सबकी अपनी अपनी भाषा है और हमारी भी एक भाषा है जिसे हम गोंडी भाषा या पाना पारसी कहते हैं और ये अभी विलुप्त होने की कगार पे है। और कहा ये जो इसकी जननी बोला जाए तो तेलंगाना से है और सभी भाषाओं की जननी गोंडी भाषा है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सभी भाषाओं की जननी हमारी गोंडी भाषा है, चाहे वो हिंदी हो, तेलुगु हो, मराठी हो, उड़िया हो, गुजराती हो, चाहे इस ऑल इंडिया में जितनी भी अपनी भाषाएं हैं हर कोई कहता है मैं मेरी भाषा हिंदी है मराठी है, लेकिन इन सब की जननी हमारी गोंडी भाषा है, इन सभी भाषाओं की जननी हमारी गोंडी भाषा है। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने यूनिवर्सिटियों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में देखा, कुछ 2-3 बुकों को पढ़ा हमने तो हमें तकलीफ हुई कि हमारी बुकें कोई शर्मा लिख रहा है तो कोई वर्मा लिख रहा है तो कोई गुप्ता लिख रहा है। तो उन सभी बुकों में खैर गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि देखिए शर्मा वर्मा की मातृभाषा गोंडी है क्या, नहीं है, तो बताओ क्या वो सही जानकारी लिखेंगे क्या हमारी बुक में, नहीं लिखेंगे ना, वो वही लिखेंगे जितना उनको बताया जाएगा। तो उन बुकों में काफ़ी सारी गलतियाँ हम लोगों को नज़र आई तो थोड़ा सा तकलीफ हुआ कि नहीं, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमें अपनी बुक और हमें अपनी सही जानकारी, हमारे सही जानकारी उन बच्चों तक पहुंचाना है जो नहीं जान पाते हैं या एक रिसर्च के तौर पे जाते हैं यूनिवर्सिटियों में, चाहे वो पीएचडी स्कॉलर हो या फिर कोई भी प्रोफेसर हो, तो इस जो हम लोगों ने गोंडी भाषा लिपि करियाट टुंडे वनका जो निकाला है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिसर्च के तौर पे निकाला है और बच्चों के लिए निकाला है और आप सभी के लिए भी है, लेकिन ये उन लोगों के लिए, कोई जो भी बंदा अगर पीएचडी करता है चाहे लड़का हो या लड़की, तो इस बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। इस लेवल का हम लोगों ने उस बुक को निकाला है और प्रेजेंट किया है और इस बुक को हम लोग कुछ यूनिवर्सिटियों में अभी भेंट भी करने वाले हैं और इस यूनिवर्सिटी में कुछ रेफरेंस भी आए कि आप लोगों ने जो इस बुक को बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। तो मैं धन्यवाद करूंगी आप सभी का और इस गोंडवाना भूभाग में पदस्थ हमारे सभी सगा पाड़ी जो आज भी गोंडी भाषा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग कर रहे हैं, आज भी गोंडी भाषा को रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग कर रहे हैं और बोल रहे हैं और आज आने वाली पीढ़ी को कुछ जगह बता भी रहे हैं, लेकिन जहाँ गोंडी भाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है और नहीं बोल रहे हैं, तो आप सब भी पढ़े, बुकों को पढ़े, जाने और अपने आने वाले बच्चों को जरूर बताएं। अगर आपकी भाषा खत्म तो आपका अस्तित्व खत्म। अगर आपको इस समाज में आने वाले भविष्य या आने वाले, चलो आज आप जीवित हैं तो आप लोग तो अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपके आने वाले बच्चे या आने वाली पीढ़ी, आज आप सब देख ही रहे हैं कि क्या हालत है हमारे समाज की, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ों को हम लोगों को खत्म किया जा रहा है, चाहे वो संस्कृति के माध्यम से हो या भाषा के माध्यम से हो या शिक्षा के माध्यम से हो या किसी भी तरीके से। तो हमें, मेरी जिम्मेदारी है इस समाज के लिए कि मैं अपनी भाषा बोली को बचाऊं, तो मैं अपना कर्तव्य कर सकती हूँ, तो क्या आप सभी अपना अपना कर्तव्य निभा सकते हैं ना, कर सकते हैं कि नहीं। तो बस यही मेरा संदेश था और इस भाषा को बचाने के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है उन
रेला पाटा गाने वाले जो सिंगर है हमारे समाज में, और जो डांस कर रहे नृत्य कहा जाता है जिनको एंदीना बोला जाता है, तो उन सिंगरों को भी धन्यवाद करना चाहूंगी जो अपने रेला पाटा के माध्यम से हमारी मातृभाषा को बचा रहे हैं। और उन बच्चों को भी और सगा पाड़ियों को भी धन्यवाद करना चाहूंगी जो अपने डांस के माध्यम से हमारी रेला पाटा और गोंडी भाषा को बचा रहे हैं। परंतु इनके लिए एक थोड़ा सा सजेशन है उन सिंगरों के लिए जो गोंडी पाटा के रेला गोंडी रेला पाटा बना तो रहे हैं, लेकिन आपको अगर अच्छे से गोंडी आती है तो ही आप पूरे उसे गोंडी में ही पूरा रेला पाटा लिखे, अन्यथा वहाँ पे कोई हिंदी मिक्स कर रहा है तो कोई मराठी मिक्स कर रहा है तो कोई गुजराती मिक्स कर रहा है तो कोई तेलुगु मिक्स कर रहा है, ऐसा ना करें, अन्यथा आने वाले 2 साल के बाद हो सकता है आपके ही सॉन्ग को बैंड करना पड़े, है ना। और बैंड करने के लिए हम लोगों पास ऑथेंटिक चीजें हैं, तभी हम मैं इस मंच के माध्यम से या हम सब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स अब निकल के आ रहे हैं जो हमारी बोली भाषा संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। और आज आप सबको बता दें गोंडी भाषा के लिए इतनी भूख बढ़ चुकी है हमारे सगा समाज के लोगों के अंदर कि आज वो लोग चाहे वो बुक के माध्यम से पढ़े या ऑनलाइन के माध्यम से पढ़े, लेकिन पढ़ने की जिज्ञासा तो जाग चुकी है, इतना जाग चुका है कि आज छोटा छोटा बच्चा भी पढ़ रहा है। आज मैं आप सबके सामने एक उदाहरण हूँ, 5 साल आज 5वां साल स्टार्ट है जो ऑनलाइन जूम के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। मेरा सौभाग्य है कि कछारगंज में आके ही मैंने बहुत कुछ सीखा है, और सौभाग्य सबसे बड़ी बात यह कि आज अदर कंट्री विदेश के लोग गोंडी भाषा को सीख रहे हैं, जान रहे हैं, और मैं मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे विदेश के भी बच्चों को, यहाँ तक कि वहाँ के कुछ जॉब वाले पर्सन को भी पढ़ाने का अवसर मिलता है। अगर हमारे यहाँ पे रात के 10 बजता है तो साउथ अफ्रीका जामिया में शाम के 6 बजते हैं, तो सोचिए उनके लिए हम लोगों को भी जागना पड़ता है। आप लोग ये ना सोचें कि हमारे भारत में ही हम ट्राइबल है या गोंड है, भील है, बैगा है, ये सब हमारे इंडिया में नहीं, साउथ अफ्रीका में भी है, अमेरिका में है, ये अपना ब्राजील में है, और कहीं मतलब बहुत सारे ऐसे देश है अपने विदेश जहाँ पे हमारे ट्राइबल है, और आज उन लोग भी अपनी गोंडी भाषा को जीवित रखा है। सबसे ज्यादा हम लोगों ने ये चीज देखा हमारे इंडिया में, शायद मुझे ऐसा लगता है कम बोलते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं। मुझे ताजुब होता है जब मैं उनके पेरेंट्स को पढ़ाती थी या मैं और हमारी जो टीम पढ़ाती है, तो उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनसे पूछो व्हाट इज योर नेम, तो उन लोग बोलते हैं गोंडी में, हम लोगों को रिप्लाई देते हैं नावा परोल जो भी उनका नाम रहता है, फिर हम लोगों को उन लोग पूछते हैं नीवा परोल बती, उन लोगों की टोन है ना इतनी, तो सोचिए जब हमारी मातृभाषा गोंडी हमारे इंडिया की जननी है और हम लोग इस भाषा को विलुप्त में कर रहे हैं, ये इसकी जिम्मेदारी स्वयं हम लोग हैं। आज हमारी भाषा को कौन खत्म कर रहा है, हम लोग खत्म कर रहे हैं, जो हमारी एक पहचान दिलाती है पूरे ऑल इंडिया में ही नहीं, हर पूरे गोंडवाना लैंड में हमारी मातृभाषा हमारी पहचान दिलाती है। तो उन रेला पाटा जो गाते हैं उनके लिए एक निवेदन और रिक्वेस्ट है विनम्र मेरा कि जब भी अपना कोई भी रेला पाटा बनाते हैं तो ऐसे कोई भी शब्दों का प्रयोग ना करें जो हिंदी हो, मराठी हो, तेलुगु हो या गुजराती हो। अगर आपको गोंडी नहीं आती, अगर आप गोंडी में गाना चाहते हैं, तो आप उन लोगों का सहारा ले सकते हैं या मार्गदर्शन ले सकते हैं जिनको गोंडी आती है, जो बुजुर्ग है। आज हम कई सारे ऐसे सॉन्ग देख रहे हैं, तकलीफ होती है हम लोगों को, क्योंकि अगर आगे चल के आगे हम ही लोग एक रिसर्च करें या अगर हम डिक्शनरी आने वाली पीढ़ी के लिए बनाएं, तो कई सारे सॉन्ग ऐसे होते हैं जो हम लोगों को कुछ पुराने जमाने के दादा लोगों ने सॉन्ग गाया, उनमें से हम लोगों को कई शब्द उठाना पड़ता है, तो उनके ओरिजिनल सॉन्ग होते हैं। अगर आने वाली पीढ़ी जब हमारा रिसर्च करेगा और आज के जमाने में जो गा रहे हैं अगर इनमें से सॉन्ग देखेंगे, जैसे अभी कुछ कुछ सॉन्ग आए हैं भैया ना साली, तो भैया ना साली क्या होता है, ये गोंडी वर्ड है क्या? नहीं है ना, भैया ना साली दोनों नहीं है। तो आने वाला समय अगर बच्चा उस चीज को जानेगा सुनेगा तो क्या बोलेगा, अरे नहीं हमारे सॉन्ग तो गोंडी के ऐसे हैं, वो तो वही प्रूफ बताएगा ना।
बैतूल वाले ज्यादा गाते हैं, इस चीज का विशेष ध्यान रखें इस मंच के माध्यम से, और जहाँ जहाँ भी गाते हैं, अन्यथा 2 साल के बाद ऑथेंटिक के साथ में बैन कर दिए जाएंगे। जितना आप पैसा कमा रहे हैं ना, उस टाइम पे आप 1 रुपया भी नहीं कमाएंगे, क्योंकि मातृभाषा हमारी गोंडी और इसकी भूख बढ़ चुकी है, और आज हमारी युवा पीढ़ी जाग चुकी है और इसको पढ़ रही है और जान रही है और सीख रही है ना। तो आप लोग सही चीजें करें, गलत बिल्कुल ना करें। अगर हिंदी में आप गाना चाहते, हमारे सगा समाज को जगाना चाहते, बिल्कुल जगाइए, लेकिन पेवर आप हिंदी में जगाइए, पेवर आप मराठी में जगाइए, पेवर आप तेलुगु में जगाइए, गुजराती में जगाइए, लेकिन मिक्स ना कीजिए। बस इतना सा ही मेरा रिक्वेस्ट है, आवेदन है, निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सादर सेवा 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 जोहार करती हूँ।